नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेखा तिवारी है। मैं होम्योपैथी के फील्ड में पिछले 32 साल से हूँ और मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ। मैं बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे मरीज दुनिया भर में हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि होम्योपैथी आज की तारीख में एक जानी मानी साइंस है एंड काउंसलिंग की ज़रूरत ऑलमोस्ट हर एक को रहने लगी है। टीनेज उम्र का वो पड़ाव है जो कि 13 से 19 साल के बीच में होता है। अगर हम सब एक मिनट के लिए सोचें, एक 13 साल के 15 साल के बच्चे को अपने जहन में लाइए और देखिए कि क्या क्या हो रहा है उसके साथ। पहली चीज़, उसके शरीर में ऐसे बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं जिनको वो समझने की कोशिश तो कर रहा है बट पूरी तरह से समझौता नहीं कर पा रहा। दूसरा, अब उसके चारों तरफ के लोग उससे कह रहे हैं अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए। तीसरा, उसका सारे तरफ का समाज उससे कह रहा है खूब मेहनत करो क्योंकि बाकी की जिंदगी अब इन 4-5 सालों पे ही सिमट के रहेगी। पांचवा, उसके आसपास के लोग बहुत सारी अलग अलग चीजों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड वो समझ नहीं पा रहा है कि किससे वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। अगर एक शब्द में कहें तो इस वक्त अब वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। उस समझने में जब वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो अपने माँ बाप को समझा ना पाए कि वो किस प्रोसेस में है। अगर कोई टीनेजर ऐसा है जिसका कि बिहेवियर बहुत ख़राब है, जिसको किसी चीज़ की आदत लग चुकी है, जो बहुत झूठ बोल रहा है, जो कोई ऐसा कर रहा है जिससे माँ बाप बहुत परेशान है, तो सबसे पहला स्टेप माँ बाप को थोड़ा ठहरना होगा। माँ बाप को थोड़ा अपना संयम पकड़ के उसकी बातों को सुनना होगा। उसको रोजाना ये बता के क्या गलत क्या सही, तुम गलत, तुमने ये किया वो किया, इसकी बजाय सिर्फ उसके साथ समय बिताना होगा और उसकी तरह बिताना होगा। बहुत माँ बाप ये गलती करते हैं, हम अपने बच्चों को बाहर लेके गए थे हम तो घुमाने और वो पूरा घुमाना, उसको पूरे समय वो लेक्चर देते, ये करो वो मत करना, ऐसे नहीं करना चाहिए, पढ़ लो नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा। अगर हम और आपको कोई दुनिया भर लेक्चर देता रहे तो थोड़ी देर बाद हम उस इंसान को देखते बोलेंगे इसके साथ नहीं जाना, किसी के और चला जाऊँगा। तो कोशिश कीजिए कि हर आउटिंग आपके बच्चों के साथ जो हो वो लेक्चर की नहीं होनी चाहिए, वो भलाई बुराई बताने की नहीं होनी चाहिए, वो कुछ मज़े की, अपने बचपन की कहानियाँ शेयर कीजिए उनके साथ, अपनी जद्दोजहद की कहानियाँ शेयर कीजिए। प्लीज़ अपने बच्चों को अपने फेलियर्स बताइए कि हम इतनी बार फेल हुए लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अगर आज के आपके संदर्भ में कोई घर में दिक्कत चल रही है तो अपने बच्चे को बताइए कि बेटा आजकल ये समस्या चल रही है। एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि यही जो आउट ऑफ कंट्रोल सो कॉल्ड शैतान, बिल्कुल ही बेबाक बदतमीज़ बच्चा है, ये अचानक आपका बहुत अच्छा दोस्त, आपका एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता, आपकी एक बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाएगा। तो वो टीनेज बच्चा है ही कहाँ जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको दोस्त बनाना पड़ेगा, बनाइए।